हेलो फ्रेंड्स, रानी जेठानी की इस किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ दही के कबाब, जो कि बनाना काफ़ी इजी है। तो चलिए हम उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा कटोरी हंगर लिया है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए कपड़े में बांध के टांग के रख दिया था, जिससे कि इसका सारा पानी निकल गया। तो ये हमारा हंगर बन गया। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, एक प्याज भुनी हुई बारीक, आधा कटोरी पनीर, एक चम्मच बेसन भुना हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ बारीक, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/4 चम्मच चाट मसाला। अब ये सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके लिए मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिया है। अब हम जो है दही के कबाब्स के जो बॉल्स हैं, वो छोटे छोटे बॉल्स बना के ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से चम्मच से भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम ब्रेड क्रम्स के अंदर फोल्ड कर देंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप में बना सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा इसमें ब्रेड क्रम्स में इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए इसको, ताकि आपका फ्राई करते टाइम ये फटे ना। इसी तरीके से आप बाकी सारे दही के कबाब जो हैं वो रेडी कर लीजिए। तो देखिए, मैंने सारे दही के कबाब जो है वो बना दिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ये फ्राई करने के लिए दही के कबाब जो है वो डाल देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरीके से जो है हम अपने दही के कबाब जो है हम फ्राई कर लेंगे। बाकी बचे हुए भी इसी तरीके से हम फ्राई कर देंगे। इनको दोनों तरफ से पलट के अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक थोड़ा सेक लीजिए कि दोनों तरफ से फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। ये हमारे जो दही के कबाब हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो दोस्तों, ये मेरे दही के कबाब जो हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। मैं इनको गर्म गर्म सर्व करूंगी। आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।